प्रदेश कांग्रेस मोर्चा संगठन प्रभारी शोभा ओझा एक बार फिर राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर बरसती नजर आई है। शोभा ओझा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 61,102 बच्चे प्रदेश से गायब हुए हैं, जिसमें 49,024 बच्चियां और 12,078 बच्चे हैं। यह आंकड़े केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सोते उठते पूरे दिन भर सालों से एक ही बात करते सुनाई देते हैं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहने, प्यारी भांजियों, प्यारे भांजे। और उसका नतीजा ये है कि पिछले 18 साल में लगातार नंबर एक पर हम रहे महिला अत्याचार में, रेप में, गैंग रेप में। और मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि अब रेप में और गैंग रेप में FIR ही नहीं होगी, तबाह कर दूंगा दुष्कर्मियों को, ये कर दूंगा, गाड़ दूंगा। पर असलियत ये है कि पूरी तरह से असंवेदनशील ये मुखिया और पूरी तरह से नौटंकीबाज प्रदेश का मुखिया लगातार बोलते रहते हैं, पर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। हमने एक नहीं अनेकों ऐसे केसेस देखे जहां पुलिस का मनोबल तक ये गिरा देते हैं, क्योंकि दुष्कर्मी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का रिश्तेदार है या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही है। और ऐसे में लगातार आंकड़े ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर एक पर है महिला अत्याचार के मामले। अब जो नया आंकड़ा आया है वो भी भयभीत करने वाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जो प्रस्तुत किए गए हैं आंकड़े, ये आंकड़े हैं गुमशुदा बच्चों के मामले। और इसमें भी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं के गुमशुदा हैं तो वो है मध्य प्रदेश। ये मामा जो कि प्यारी भांजी, प्यारे भांजे करके दिन भर रट लगाते हैं, आज कुपोषण में भी नंबर एक पे हैं और गुमशुदाई में भी ये बच्चे मध्य प्रदेश के नंबर एक पर हैं। दुखद होता है जब 61,102 बच्चे पिछले 5 साल में इस मध्य प्रदेश से गायब हैं, जिसमें बिटियां हमारी 49,024 बेटियां हैं और 12,068 बेटे गायब हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, जो रोज बहन बेटियों की बात करते हैं, भांजे भांजियों की बात करते हैं, कि आखिर 61,102 भांजे और भांजियां इस प्रदेश से कैसे गायब हुए? और उनकी गायब होने पर जब शिकायत लिखी गई तो उसका क्या हुआ? और इन गायब बच्चों को, इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कदम उठाए, ये हम जानना चाहते हैं। केवल और केवल नौटंकी करके, भांजे भांजियों की बात करके, बहनों और बेटियों की बात करके अपने इस कमियों को छुपाते रहे, चाहे रेप की बात करें, चाहे कुपोषण की बात करें, चाहे गायब बच्चों की बात करें, हर मामले में मध्य प्रदेश नंबर एक है। और ये आंकड़े हमने नहीं दिए हैं, ये आंकड़े केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय ने लोकसभा में ये आंकड़े दिए हैं। तो इसलिए कहीं ये भूल से ये ना कहें कि आंकड़े बनावटी हैं, चेक कर लें। और इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया इसका जवाब दे, क्योंकि मदारी की तरह नौटंकी तो खड़ी कर देते हैं पर असलियत आज किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे महिला हो, बच्चे हो, हर तरह से शोषित है, प्रताड़ित है। और ये बच्चे आखिर गायब हैं तो कहाँ गए इस प्रदेश से, इसका जवाब हमें मुख्यमंत्री जी से चाहिए। क्यों नहीं बात करती है संसद भवन में, जहाँ भाजपा है वहाँ की बात आंकड़े दिखाए जाते हैं केवल? ये तो नंबर एक के आंकड़े हैं ना, इसमें कांग्रेस या बीजेपी का कुछ नहीं, प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है मध्य प्रदेश, इसलिए आंकड़ों की चर्चा हुई। और स्मृति ईरानी जी
हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, वो दुष्कर्म को और इस तरह के आंकड़े, चाहे वो कुपोषण के आंकड़े हो, चाहे बच्चों की ट्रैफिकिंग के आंकड़े हो, इनको प्रदेशों में कृपया करके ना बांटे। जो जिन प्रदेशों में ये सबसे ज्यादा है उस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर क्राइम को भी हम प्रदेशों में बांटेंगे तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। स्मृति ईरानी जी जो कल लोकसभा में कह रही थी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि जो मणिपुर में हुआ है, पूरे विश्व में हमने ऐसी तस्वीर कहीं नहीं देखी। वो उसको अगर कंपेयर करें किसी और प्रदेश से तो ये शर्मनाक है। क्राइम को वो जिस तरह से छुपाने की कोशिश कर रही है अपने वक्तव्य से, वो शर्मनाक है। एक महिला होने के नाते वो उस क्राइम को, उस गंदे क्राइम को भी छुपाने की कोशिश कर रही, वो बेहद शर्मनाक।